अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। उत्तर प्रदेश की राजधानी व दिल कहे जाने वाले लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की जिस तरह से हत्या हुई, उसने संपूर्ण व्यवस्था को आईना दिखा दिया है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण भले ही पुलिस ने 24 घंटे में 5 लोगों को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया हो, लेकिन अभी भी यह सवाल बना हुआ है। जिन दो मौलानाओं को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, उन्होंने 2015 में मोहम्मद पैगंबर पर विवादास्पद टिप्पणी करने पर कमलेश तिवारी को मौत के घाट उतारने का ऐलान किया था। बात आई गई हो गई, लेकिन 5 साल बाद हत्या में इनकी लिप्तता बताई जा रही है। सवाल उठता है कि जिस वक्त इन लोगों ने यह ऐलान किया था, पुलिस ने तभी दोनों मौलानाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर दी थी। कबीलियाई संस्कृति को बढ़ावा देने वाला यह ऐलान मेरठ के हाजी याकूब कुरैसी ने भी डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने की एवज में 51 करोड़ रुपये का सोना देने का ऐलान किया था। इस ऐलान ने ही याकूब को मुस्लिमों का नेता बना दिया था। प्रदेश के दिल कहे जाने वाले लखनऊ में कमलेश तिवारी की उनके घर में ही गला रेत कर वह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस प्रशासन को चुनौती देने वाले इस हत्याकांड के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई थी। लोगों के सड़कों पर उतर आने के कारण दुकानें बंद हो गई थी। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने इसे बेहद गंभीरता से लिया था, जिसका असर यह हुआ कि 24 घंटे में ही पुलिस ने इस मामले से पर्दा उठा दिया। लखनऊ में DGP डॉक्टर OP सिंह ने खुद इसका खुलासा किया। आइए देखते हैं क्या कहा DGP ने। और इस घटना के तुरंत बाद हमारे सभी अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्यों का विश्लेषण किया और विवेचना और कानून एवं व्यवस्था पर काम करना शुरू कर दिया। कल हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले थे और उन सुराग के आधार पर जब हम लोगों ने कार्य करना शुरू किया तो हमें पूरी आशा थी, पूरा विश्वास था कि हम इस कांड को 24 घंटे के अंदर इसका पर्दाफाश करेंगे, इसका अनावरण करेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने और खासकर लखनऊ की पुलिस ने इस घटना का बहुत ही जल्द अनावरण किया है और इस दिशा में बहुत ही उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। DGP के मुताबिक रशीद अहमद पठान, मौलाना मोहसिन शेख व फैजान इस हत्याकांड में शामिल थे। जिस मिठाई के डिब्बे में चाकू व रिवॉल्वर लेकर वे तिवारी के घर में आए थे, वही डिब्बा उनकी गिरफ्तारी का सबब बना। यह मिठाई उन्होंने सूरत से खरीदी थी। इसे देने के बहाने ही हत्यारे कमलेश तिवारी के घर पहुंचे थे। DGP का कहना है कि तिवारी की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है। पकड़े गए हत्यारों की किसी आतंकी संगठन से कोई लेना देना भी नहीं है। संभवतः 2015 में मोहम्मद पैगंबर पर की गई टिप्पणी भी इस हत्या के पीछे एक कारण हो सकती है, लेकिन अभी इसकी जाँच जारी है। परिजनों ने बीती रात ही नामजद मौलाना अनवारुल हक और मुफ्ती नईम काजमी को नामजद किया था। इस विवादित बयान के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था, साथ ही रासुका भी लगा दी गई थी। रासुका हाल ही में हाई कोर्ट के आदेश पर खत्म हुई है। कमलेश की आक्रोशित मां का सवाल है कि सपा शासन में तिवारी को उंगली तक नहीं लगी और अब भाजपा सरकार में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तिवारी के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए बड़ी मशक्कत के बाद उनका परिवार तैयार हुआ। उनकी मांग थी कि उनकी मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात कराई जाए। समझा जा रहा है कि संभवतः कल उनके मुख्यमंत्री से लखनऊ में मुलाकात हो सकती है। जहां तक विवादास्पद बयान देने का प्रश्न है, तो बसपा नेता याकूब कुरैसी ने डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करके लाने वाले को 51 करोड़ रुपए कीमत का सोना देने का ऐलान एक चुनावी जनसभा में किया था। इस बयान के बाद याकूब को राजनीतिक दृष्टि से मुस्लिमों का नेता मान लिया गया था। इस विवादास्पद बयान पर भाजपा नेता सुनील भराले ने 2007 में याकूब के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। कमलेश हत्याकांड में अब पुलिस ने विवादित व कबलियाई धमकी देने वाले मौलानों को गिरफ्तार कर लिया है। यदि उस वक्त ही ऐसे ऐलान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती तो संभवतः ऐसे दिन सामने न आते। बनी रहेगी हमारी खबरों पर नजर, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।